नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। तो कैसा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का मौसम, अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप एमपी में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के दो हिस्सों में मौसम ने बांट दिया है। ग्वालियर और उससे सटे इलाकों में बने चक्रवात के कारण भोपाल समेत प्रदेश के 50% हिस्सों में बादल और बारिश का मौसम है। बीते 24 घंटों में मालवा, निमाड़ के कई शहरों, कस्बों में 4 इंच तक बरसात हुई। सर्वाधिक 4 इंच पानी दोस्तों निसरपुर में गिरा। भोपाल में बूंदाबूंदी हुई, इसका असर उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग में तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिरा हुआ नजर आया। विंध्य और बुंदेलखंड के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है। दोनों हिस्सों में तापमान 10 से 11 डिग्री का अंतर है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये चक्रवात दक्षिण पश्चिमी हवाओं के जरिए अरब सागर में जो है नमी खींच रहा है। इसी के कारण मालवा, निमाड़, भोपाल संभाग के कई जिलों में बारिश हो रही है और यही चक्रवात दक्षिण पूर्वी हवाएं खींच रही है, इसीलिए एक दूसरे के यहाँ पर गर्मी बढ़ी है। अगले 2 दिन तक भोपाल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर जिले में अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ प्री मानसून और बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। साथ में मालवा, निमाड़ के कई इलाकों पर बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। बीजावर में 46 डिग्री, खजुरा में 44.6, रीवा में 42.2, टीकमगढ़ में 44 के आसपास तापमान और गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश भर में ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। कुछ जिलों में बादल भी छाए हुए नजर आ रहे। बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में काफी गिरावट आई, जहां प्रदेश में एक दिन पहले 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया था, वही तो अभी तक तापमान छतरपुर में 44 के आसपास भी है, जबकि सबसे कम बड़वानी में 31.9 के करीब दर्ज किया गया है। वही राजधानी भोपाल के तापमान में काफी गिरावट आई है, यहां पर अधिकतम तापमान 35.4 के करीब है और मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आगे भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर है और बताया जा रहा है कि आगे भी 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा। वही कुछ इलाकों पर गर्मी का असर भी रह सकता है। आगामी 2 दिनों तक मौसम बना रहेगा। मानसून लगातार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और समय से पहले मध्य प्रदेश पर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इधर निवाड़ी, छतरपुर जिलों में गर्मी का असर बरकरार है। छतरपुर का तापमान सबसे अधिक 44 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में रात में 1 बजे बारिश हुई। इधर मौसम विभाग की माने तो गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हुई। सुबह 8 बजे तक अलग अलग इलाकों पर रुक रुक कर रिमझिम बरसात होती रही। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में 10 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। धार में दोस्तों तापमान 10.1 के करीब लुढ़क कर 31 पर आ चुका है। रात में तापमान 21.1 के करीब भी रिकॉर्ड किया गया। छतरपुर में 44, खजुरा में 43.6, रीवा में 43.6, सिंगरौली में 43.5, सीधी में 43.2, टीकमगढ़ में 43, पृथ्वीपुर में 42.7, नौगांव में 42.6, ग्वालियर में 42.5, सतना में 42.4 के करीब तापमान है। मौसम विभाग की माने तो गरज चमक के साथ येलो अलर्ट है। इन जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, मऊगढ़, सीधी, सिंगरौली में लू को लेकर अलर्ट है, येलो अलर्ट है। कई जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ येलो अलर्ट की संभावना जताई है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और यहां पर धार, आगरमालवा, राजगढ़, साजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, शिवनी, मंडला, बालाघाट में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट और परिवर्तन होने के साथ बदलाव होगा। अलग अलग स्थानों पर 34 से लेकर 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और वही ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में मौसम शुष्क बना है। इन सभी संभागों में अभी लू जैसे हालात रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों तक भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने के साथ परिवर्तन होगा। अलीराजपुर जिले में 4.8 मिलीमीटर बरसात भी रिकॉर्ड की गई। आप कहां पर रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलपुर में 31-32, रात के समय दिन में 41-42 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, गर्मी के तीखे तेवर है। मौसम विभाग की मान तो पूरे कटनी में 31-32-33, रात के समय दिन में 42 के आसपास तापमान, गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। भोपाल में 29-30-32, रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान है, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। सीधी में 32-33, रात के समय दिन में 43 के आसपास तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन गर्मी का प्रकोप, उतार चढ़ाव जारी और गर्मी के तीखे तेवर के साथ 43 के आसपास भी तापमान बढ़ा हुआ है। बड़वानी में 30-31, रात के समय दिन में 38 के आसपास तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे। ग्वालियर में 31-32, रात के समय दिन में 41-43 के आसपास तापमान रहेगा। 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी और बुधवार गुरुवार को भी गर्मी के तीखे तेवर है। धार में 27-28, रात के समय दिन में 36-37, आज बरसात हो सकती है। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो पूरे उज्जैन में 28-29-30, रात के समय तो दिन के समय 38 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। हरदा में 29-30, रात के समय दिन में 40-41 के करीब तापमान है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। शिवपुरी में 29-30-31, रात के समय दिन में 40-41, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मंदसौर में 29-30-31, रात के समय दिन में 40 के आसपास नीचे तापमान आ चुका है, आज बरसात को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक परिवर्तन जारी रहेगा। रायसेन में 29-30-32, रात के समय तो दिन के समय दोस्तों मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और 41 के आसपास तापमान रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है। साजापुर में 29-30-31, रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान है, बादल छाएंगे,
विदिशा में 29-30-32 रात के समय, दिन में 40-41 बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन है। श्योपुर में 31-32 रात के समय, दिन में 42-43 के आसपास तापमान रहेगा। गर्मी के तीखे तेवर और बादल छाए रहने के आसार है। अशोकनगर में 30-31-32 रात के समय, दिन में 40-41 के करीब तापमान में बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन रहेगा। सतना में 32-33 रात के समय, दिन में 41-42-43 बादलों के अवजय के साथ गर्मी के तीखे तेवर उतार चढ़ाव जारी है। गुना में 29-30-31 रात के समय, दिन में 40 के आसपास तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन बादल उतार चढ़ाव जारी, तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर उतार चढ़ाव जारी है। खंडवा में 29-30 रात के समय, दिन में 40 के नीचे तापमान है। आज बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन है। सिंगरौली की बात किया तो 31-32 रात के समय, दिन में 42 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे। उमरिया में 30-31-32 रात के समय, दिन में 41 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और गर्मी के तीखे तेवर है। रतलाम की बात करें तो 28-29-30 रात के समय, दिन में 36-37 के करीब तापमान रहेगा। बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। राजगढ़ में 31-32 रात के समय, दिन में 40-41 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ गर्मी के तीखे तेवर है। देवास में 29-30 रात के समय, दिन में 37-38 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधि को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक और परिवर्तन जारी रहेगा। बुरहानपुर में 28-29 रात के समय, दिन में 40 के आसपास तापमान, 2 दिन बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। भिंड में 31-32 रात के समय, दिन में 44 के आसपास तापमान रहेगा। 5 दिन बादल, गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला रहने के आसार है। सागर में 30-31 रात के समय, दिन में 40-41 बादलों के अवजय के साथ गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। नीमच में 29-30 रात के समय, दिन में 37-38 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और गर्मी के तीखे तेवर और बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन है। दतिया में 30-31-32 रात के समय, दिन में 43 के आसपास तापमान रहेगा। बादलों के अवजय के साथ गर्मी के तीखे तेवर 44 के आसपास तापमान है। पन्ना में 42-43 के आसपास तापमान है। पूरे 7 दिन गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी, बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन है। सीहोर में 29-30-31 रात के समय, दिन में 40 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। रीवा में 32-33-34 रात के समय, दिन में 43-44 के करीब तापमान है, गर्मी के तीखे तेवर। टीकमगढ़ में 30-31-32-33 रात के समय, दिन में 42-43 के करीब तापमान है, गर्मी के तीखे तेवर है। इंदौर की बात किया तो 29-30-28 रात के समय, दिन में 36-37 आज बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी, तो कई जगहों पर गर्मी से रात भी मिलेगी बरसात के बाद। बालाघाट में दोस्तों गर्मी से रात मिलेगी, आज बरसात होगी 29-30 रात के समय, तो दिन के समय जो ना 40 के नीचे तापमान है। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मंडला में 29-30-31 रात के समय, दिन में 40 के नीचे तापमान, आज बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा। छिंदवाड़ा में 28-29-30 रात के समय, दिन में 36-37 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार शनिवार को बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मौसम में ठंडक और परिवर्तन जारी रहेगा। बैतूल मध्य प्रदेश में 26-27 रात के समय, दिन में 37 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, शुक्रवार तक बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। अनूपपुर में 29-30 रात के समय, दिन में 40-41 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, 41 के आसपास तापमान है। आगर में 29-30-31 रात के समय, दिन में 40 के आसपास तापमान, आज बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के मौसम में बदलाव और परिवर्तन भी अधिक से अधिक देखा जा रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग की मान तो आने वाले 24-48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर गर्मी तो कुछ जगहों पर राहत भरे होने वाले और मौसम में बड़ा सा बड़ा बदलाव भी होते हुए नजर आएगा और लू से राहत मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर निवाड़ी में दोस्तों गर्मी पड़ रही, 43 के आसपास भी तापमान रहने के आसार है। तो यह था पूरे मध्य प्रदेश का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।